हमारे तो आपकी ये zigzag बनाने, ये चेने पहनना, ये बॉडी बनाना नथिंग विल, कोई काम नहीं आएगा। ना ये आपके काम आएगा, ना इसके काम आएगा, ना आपके पेरेंट्स के काम आएगा। काम वो करें जो मरने के बाद आपके काम आए। कुछ काम नहीं आएगा आपकी दोस्तियां, आपकी बॉडी बिल्डिंग, चार चार पांच पांच घंटे के जिम जाना, फिर बातें करना। मैं ये करता हूँ, व्हेन द एंगल ऑफ दैट कम, यू आर नथिंग एंड बिलीव मी यू विल बी नथिंग। क्योंकि तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग दुनिया में आए थे। इफ दैट वॉज अवॉइडेबल विद द वेल्थ, देन कारून वुड हैव नेवर डाइड। He was the richest person of the world. If the debt was avoidable with the ministry, then Haman would have never died. If the debt was avoidable with the power, then Rustum or Sarab was the powerful person of their time. They would have never died. If the debt was avoidable with the medicine, then Jalinu, jo apne waqt ka sabse bada hakeem tha, he would have never died. Death will come and they will take you straight away. Aapko ek second ki mohlat nahi milegi. सिंपल मैसेज है, दिस इज योर लास्ट डेस्टिनी एंड दिस इज योर फाइनल डेस्टिनी। इन दिस वर्ल्ड पीपल डिनाई द गॉड, पीपल डिनाई अल्लाह, पीपल डिनाई द प्रॉफिट, बट नो वन इज डिनाइंग द डेथ। मौत को कोई भी डिनाई नहीं करता है। और आप ये समझ के बैठे ना नमाज पढ़े ना कुरान पढ़ना है और बोले मरेंगे और जन्नत में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो बोगे वही काटोगे। इसकी दोस्ती अच्छे से थी तो फायदा पहुंच रहा है। प्लीज अपनी दोस्ती अच्छों के साथ रखें। Attached with the good people, pious people, who will benefit you when you die. दुनिया में तो सारे एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं। असल फ्रेंड वो है जब आप कब्र में जाएंगे, they will benefit you.